और अब बात करते हैं डॉन की फरार बीवी शाइस्ता पर। शाइस्ता की इनाम राशि बढ़ाने की अब तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, शाइस्ता पर इनाम की राशि बढ़ाकर अब दोगुनी यानी कि 1,00,000 रुपए की जा सकती है। अभी उस पर 50,000 रुपए का इनाम है। उसकी तलाश में एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। न सिर्फ यूपी बल्कि कई राज्यों में उसकी तलाश जारी है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या की साजिश का आरोप है। न तो वो अतीक की मैयत में शामिल हुई और न ही बेटे असद के जनाजे में वो पहुंची। उम्मीद जताई जा रही थी कि वो सरेंडर कर देगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फरार शाइस्ता पर अब इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अब तक इनाम की राशि 50 है, लेकिन इसे 1,00,000 रुपए किया जाएगा ताकि शाइस्ता तक पहुंचना आसान हो जाए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया की बेगम जान, जिस पर अब इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए की जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता वर्षा हमारे साथ जुड़ चुकी है फोन लाइन पर। वर्षा, अब इनाम की राशि दोगुनी हो जाएगी, क्या उसके बाद उस तक पहुंचना आसान हो जाएगा? देखिए मोनिका, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह शाइस्ता परवीन की तलाश जारी है, उस तरह साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अब इनाम की राशि को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। इनाम की राशि अब 1,00,000 करने की बात की जा रही है, क्योंकि शाइस्ता परवीन जिस तरह अतीक अहमद और अशरफ की मौत के समय भी नहीं आई, उससे पहले असद के इनकाउंटर में भी नहीं आई, जो कवायद की जा रही थी कि ये लगातार सरेंडर कर सकती हैं। एक टीम गठित कर दी गई है, नए वकीलों की टीम गठित कर दी है, उसके बाद सरेंडर करेंगे, लेकिन कहीं भी शाइस्ता परवीन दिखी नहीं। जिसके बाद अब यूपी पुलिस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि जिस तरह इनाम की राशि हम बढ़ाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि शाइस्ता परवीन कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देंगी। जिस क्योंकि इनाम की राशि बढ़ाते ही शाइस्ता परवीन की तलाश और तेज़ी से हो जाएगी। यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश जारी कर रखी है, क्योंकि शाइस्ता परवीन के बारे में एक साफ तौर पर बात बताई जा रही है कि शाइस्ता परवीन को अभी कहीं भी तलाश करते हुए एक भी सुराग नहीं मिल पाया कि शाइस्ता परवीन आखिर है कहाँ, किस इलाके में है। क्योंकि लगातार एक बात और कही जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम से इनका कांटेक्ट जरूर है, क्योंकि एक चिट्ठी भी काफ़ी वायरल हो चुकी थी जिसमें उसमें जिक्र था कि भाभी की देखरेख में हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो शाइस्ता परवीन जिस तरह अतीक और अशरफ की मौत के बाद एक लेडी डॉन बनकर आई हैं, तो इनकी इनाम की राशि इसीलिए बढ़ाई जा रही है, जैसे यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार इस पे पड़ताल कर सके और छापेमारी कर सके और शाइस्ता परवीन की बरामदगी हो सके। ठीक वर्षा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।